नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि आनंद विहार टर्मिनल से भुवनेश्वर के बीच में हफ्ते में दो दिन चलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि आनंद विहार टर्मिनल से हर मंगलवार और शुक्रवार को भुवनेश्वर के लिए रवाना होती है। और आनंद विहार टर्मिनल से भुवनेश्वर की जो दूरी है ये 27 घंटे 55 मिनट में कवर करती है और इसके तकरीबन 13 स्टेशन हैं। 1783 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 64 किलोमीटर पर आवर। संपर्क क्रांति टाइप की ट्रेन है। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और LHB कोचेज वाली ट्रेन है। इसका ट्रेन नंबर है 12820 और ये जो ट्रेन है VAP 7 इंजन के साथ चलाई जाती है और इसमें फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। अगर बात करें इसके रूट मैप के बारे में तो ये जो ट्रेन है आनंद विहार टर्मिनल नई दिल्ली से स्टार्ट होती है, बाद में कानपुर सेंट्रल पहुंचती है, फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए झारखंड के गोमो जंक्शन में, फिर टाटानगर जंक्शन होते हुए हिजली, जालेश्वर, सोरो, भद्रक, जाजपुर, ख्वाइंजार रोड, कटक जंक्शन होते हुए भुवनेश्वर में जाके अपनी 1783 किलोमीटर की यात्रा जो है समाप्त करती है। अगर बात करें उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो आनंद विहार टर्मिनल से भुवनेश्वर तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कन्फर्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं इसके टिकट किराए के बारे में। उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में फर्स्ट AC का कोच है जिसका आनंद विहार टर्मिनल से भुवनेश्वर तक का टोटल किराया है 4685 रुपये, जिसमें 4327 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 75 रुपये है, GST चार्ज 227 रुपये है। टोटल किराया 4685 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म कर लें। सेकंड AC के कोच भी हैं जिसका आनंद विहार टर्मिनल से भुवनेश्वर तक का जो टोटल किराया है वो है 2750 रुपये, जिसमें 2524 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज 131 रुपये है। टोटल किराया 2750 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर से जाके जरूर कंफर्म कर लें। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड AC के कोच भी हैं। थर्ड AC का जो टोटल किराया है वो है 1910 रुपये, जिसमें 1734 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज 91 रुपये है। टोटल किराया 1910 रुपये बनता है। थर्ड AC का ये किराया है आनंद विहार टर्मिनल से भुवनेश्वर तक का। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास की अगर बात करें तो इसमें कोई GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता। आनंद विहार टर्मिनल से भुवनेश्वर तक का स्लीपर क्लास का किराया है 730 रुपये, जिसमें 680 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, 30 रुपये सुपरफास्ट चार्ज शामिल है। टोटल किराया 730 रुपये बनता है। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल डिब्बे भी हैं। जनरल डिब्बों की अगर बात करें तो इसमें तकरीबन दो जनरल डिब्बे हैं, एक जनरल डिब्बा इंजन की तरफ है, एक जनरल डिब्बा पीछे की तरफ है ट्रेन के, और जिसका टोटल टिकट किराया जो है 550 रुपये के करीब है। ये किराया आप किसी भी रेलवे टिकट काउंटर या वेबसाइट से कंफर्म कर सकते हैं, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा इस ट्रेन में एक रसोई कक्ष यानी कि पेंट्री कार की फैसिलिटी भी आपको साथ में इस ट्रेन में मिलती है। पेंट्री कार की फैसिलिटी से आपको ट्रेन के अंदर ही जो है फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के जो चार्जेस हैं आपकी टिकट में इंक्लूडेड नहीं होते, आपको ट्रेन के अंदर ही जो है ये चार्जेस जो है डायरेक्टली पेंट्री कार वालों को पे करने होते हैं। तो पेंट्री कार का फैसिलिटी भी है इसमें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करेंगे आनंद विहार टर्मिनल से भुवनेश्वर तक चलने वाली उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में। उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो कि आनंद विहार टर्मिनल से हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे 5 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 27 घंटे 55 मिनट बाद ये ट्रेन जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में पहुंचती है। इसके तकरीबन 13 स्टेशन हैं। 1783 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 64 किलोमीटर पर आवर। जो दूसरा स्टेशन है वो है कानपुर सेंट्रल। कानपुर सेंट्रल में दोपहर के 1:35 पर पहुँचती है और 1:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 428 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है CNB। कानपुर सेंट्रल के बाद ये ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश के आखिरी स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसे मुगल सराय भी कहा जाता है, यहां पर ट्रेन जो है 6:58 पर पहुंचती है और 7:08 पर वहां से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 775 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। अपने अगले स्टेशन झारखंड के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो जंक्शन में ये ट्रेन जो है 12:30 पर पहुंचती है और 12:35 पर वहां से रवाना हो जाती है।
इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1150 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ओडिशा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन जो है जमशेदपुर या टाटानगर जंक्शन में सुबह 4 बजे पहुँचती है और 4:05 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1331 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है टाटा TATA। इसके बाद हिजली पश्चिम बंगाल का जो इकलौता स्टेशन है इस ट्रेन का, यहाँ पर ट्रेन जो है सुबह 6:20 पर पहुँचती है और 6:28 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 8 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1464 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है और हिजली का स्टेशन कोड है HIJ। इसके बाद ये ट्रेन जो है जालेश्वर रेलवे स्टेशन पे सुबह 7:18 पर पहुँचती है और 7:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1530 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है GER। इसके बाद ये ट्रेन जो है बालासोर या बालेश्वर रेलवे स्टेशन उड़ीसा में सुबह 8 बजे पहुँचती है और 8:02 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसका स्टेशन कोड है BLS और 1577 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। ओडिशा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस इसके बाद सोरो रेलवे स्टेशन ओडिशा में पहुँचती है। यहाँ पर ट्रेन जो है सुबह 8:28 पर पहुँचती है और 8:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1610 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। और भुवनेश्वर हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस के साथ यहाँ पर इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद भद्रक रेलवे स्टेशन पे सुबह 9:23 पर पहुँचती है और 9:25 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1640 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है BHC। इसके बाद उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन जो है झाजपुर खोंजार रोड में सुबह 9:56 पर पहुँचती है और 9:58 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1683 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है JJKR। इसके बाद उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो अपने सेकेंड लास्ट स्टेशन कटक जंक्शन में पहुँचती है सुबह 10:55 पर और 11:00 वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1755 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है CTC और यहाँ पर ये ट्रेन जो है भुवनेश्वर न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस जो कि वाया आद्रा होकर चलती है, इसके साथ हर बुधवार को इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद आनंद विहार से भुवनेश्वर को चलने वाली उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन जो है फाइनली अपने आखिरी स्टेशन भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर सुबह 11:55 पर पहुँचती है और 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहाँ तक की जो टोटल दूरी है 1783 किलोमीटर के करीब जो है ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएँ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को।